खरगोन जिले के करही थाना पुलिस ने 4 अवैध पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी अवैध पिस्टल की सप्लाई करने जा रहे थे। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बड़वा मंडलेश्वर मार्ग पर दोनों आरोपियों को धर दबोचा। बताया जा रहा है कि आरोपी खंडवा जिले हरसुद थाने देवलदी गांव के हैं। पकड़े गए आरोपी घनश्याम चौहान और नत्थू चौहान से पुलिस पूछताछ कर रही है। आरोपी खरगोन जिले में अवैध हथियार खरीदने आए थे। पुलिस ने आरोपियों को महेश्वर न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। सूचना प्राप्त हुई थी कि दो लोग शाइन मोटरसाइकिल से बड़वा तरफ से मंडलेश्वर तरफ जा रहे हैं। सूचना की तस्दीक के लिए हमने नाकाबंदी लगाई थी। नाकाबंदी लगाकर दोनों व्यक्तियों को रोका तो दोनों के पास से कुल 4 पिस्टल और 5 जिंदा राउंड जब्त किए हैं और एक आरोपी का पीआर लिया है। आगे की पूछताछ जारी है। अभी इसमें और कुछ क्या लग रहा है, इनके कोई नेटवर्क ग्रो वगैरह तार जुड़े हो सकते हैं क्या? इससे इसका बारे में अभी क्लियर बोल नहीं सकते हैं। बाकी पूछताछ चल रही है, हो सकता है कुछ और खुलासा हो इसमें। ये लाना तो एक व्यक्ति का नाम बता रहे हैं, उसके संबंध में तस्दीक किया जाना शेष है। पीआर लिया है, इसके बारे में आगे तस्दीक करके और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कितने आरोपी हैं? 2 आरोपी हैं। क्या नाम लिखते हैं? एसआई दीपक यादव, पुलिस थाना करही। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।